भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के पास ना तो नेता है और ना ही नीति। लोकसभा की चारों सीटों पर भाजपा की जीत का किया दावा। ऊना विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए 10 पिंक पोलिंग बूथ केवल महिलाएं संभालेंगी मतदान का जिम्मा। पीजी कॉलेज में कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। नए मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित करेगी एबीवीपी। प्रदेश भर में शिक्षण संस्थानों में चलाया जाएगा जागरूकता अभियान। सुंदरनगर में हुई एबीवीपी की प्रदेश समीक्षा योजना बैठक में बनी रणनीति। मतदान प्रतिशतता बढ़ाने के लिए सोलन जिला में चलेगा विशेष अभियान। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप व पुलिस अधीक्षक शिमला संजीव कुमार गांधी ने जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में स्थापित मतदान केंद्र स्ट्रांग रूम मतगणना केंद्र का किया निरीक्षण। प्रदेश में 15 मई तक नहीं होगा गर्मियों का एहसास। तापमान सामान्य से 3 से 4 डिग्री कम। 4 व 5 मई को एक बार फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ।